सावली तालुका पंचायत की पोइचा कनोड़ा की बैठक के लिए उपचुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होने की खबर इस वक्त सामने आई है। वडोदरा जिला में वडोदरा तालुका पंचायत की रायपुरा सावली तालुका पंचायत की पोइचा कनोड़ा की बैठक के लिए उपचुनाव आयोजित हुए थे, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में चुनावी जंग चल रही थी। ऐसे में आज सावली तालुका सेवा सदन पर मतों की गिनती की गई और उसमें भाजपा के उम्मीदवार सेजलबेन को ज़्यादा मत मिलने से वह विजेता घोषित हुई। ऐसे में सेजलबेन अपने समर्थकों के साथ विधायक केतन इनामदार के निवास स्थान पर पहुँचे, जहां पर पोइचा कनोड़ा तालुका पंचायत के पहले के जो उम्मीदवार थे उनकी मौत के चलते पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और फिर इस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के विजय की खुशी मनाई गई। सावली तालुका पंचायत की खाली पड़ेल बैठक पोइचा कनोड़ा में योजाएल पेटा चूंटणी आज रोज परिणाम जाहिर करवामां आव्युं छे, जेमा भाजपना उम्मीदवार ने 1963 तथा कांग्रेसना उम्मीदवार ने 974 मत मळेला छे। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सेजलबेन कल्पेश कुमार गोहिल ने विजेता जाहिर करवामां आव्युं छे। पोइचा कनोड़ा तालुका पंचायत सीटनी पेटा चूंटणीनी अंदर भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार सेजलबेनो 889 मतथी जे 989 मतथी जे ज्वलंत विजय थयो छे ते बदल पोइचा कनोड़ा मत विस्तारना मारा पोइचा गुलाबपरा जीतनगर ताड़ियापरा मकोड़ियापरा अंधरखियापुरा मेवलियापरा सरदारपुरा तमाम मतदारों दिलथी हृदयथी खूब खूब हूँ आभार मानू छू। जय श्री कृष्ण। आ जीत એ મારા તમામ કાર્યકર્તાઓની અને તમામ મતદારોની જીત છે અને અમારા જે પૂર્વ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જે મીનાબેન જે અવસાન પામ્યા હતા અને એના લઈને પેટા ચૂંટણી આવી હતી, ખરેખર મતદારોએ એક સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે તે બદલ એમનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર અને સજ્જનબેન આપી છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।